गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस कराए और मैंने आपको बताया था कि आज मैं लेवल 3 की कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी RTJEE एडवांस में पूछे जा चुके हैं और इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स ओलम्पियाड्स में पूछे जा चुके हैं। ये लेवल 3 के थोड़े टफ और डेरिवेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे और इनको मैं बहुत ठीक तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको समझ में भी आएगा। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना, फोकस रहना और सीरियसली वॉच करना इस वीडियो को, और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आप इंजॉय करोगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मे भी आप में से कुछ बच्चे JEE एडवांस में अपियर होने जा रहे हैं, तो JEE एडवांस के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो देखिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिटवीन टू आइडेंटिकल पैरेलल मेटल प्लेट्स ऑफ डायमेंशन एल बाई एल, टू डायलेक्ट्रिक प्रिज्म्स आर प्लेस्ड एज शोन बिलो। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू प्लेट्स गिवन डी इज मच लेस देन एल। बच्चों, आप किस डायग्राम में ये लेफ्ट मेटल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, ये राइट मेटल प्लेट है, दोनों का डायमेंशन आइडेंटिकल है, 100% ओवरलैपिंग है, डायमेंशन एल बाई एल है, मतलब शेप इसका स्क्वायर है, एंड द गैप बिटवीन टू प्लेट्स स्मॉल डी इज वेरी मच लेस देन एल। बच्चों, ये अजम्पशन इसलिए लिया जाता है, कैसा अजम्पशन लेने पर ये मिलीमीटर के ऑर्डर का हो जाता है और ये लार्ज होता है और गैप इतना कम होता है, कार्डियल कंडीशन में इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है और तभी हम लोग इस डेरिवेशन को कर पाएंगे। ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अगर हॉरिजॉन्टल होएंगी तभी डेरिवेशन हो पाता है, इसलिए ऐसा अजम्पशन लेना पड़ता है और क्वेश्चन बनाने वाले ऐसा अजम्पशन देते हैं। अगर डी मच लेस देन एल नहीं होगा, फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कर्व लीनियर होना शुरू हो जाएंगी, यूनिफॉर्म कतई नहीं होंगी, फिर ये डिराइव नहीं हो पाएगा, फिर डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन अचीव करने के लिए कंडीशन ली जाती है। तो बच्चों, आपसे पूछा है फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आपको याद होगा कि अगर जो पार्टीशन प्लेन है, अगर वो इंक्लाइन ना होकर वर्टिकल होता और दो स्लैब की थिकनेस टॉप टू बॉटम यूनिफॉर्म होती, तो वैसा डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन इस बार जो पार्टीशन प्लेन बिटवीन टू डायलेक्ट्रिक्स है वो इंक्लाइंड है, इसलिए वो फार्मूला अब काम नहीं करेगा, इसमें कैलकुलस का अप्रोच लेना होगा। वैसा अप्रोच क्यों लेना होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, बॉटम से वाई हाइट पर डी वाई थिकनेस की एक हॉरिजॉन्टल स्लाइस कट कर लिया जाए। ये जो हॉरिजॉन्टल स्लाइस होगी ये फ्रंट से लेकर बैक तक होगी। जब फ्रंट से लेकर बैक तक एक स्लाइस काटोगे तो ये एक पतला सा कैपेसिटर बन जाएगा। एक ऐसा कैपेसिटर बनेगा जिसकी एक बहुत पतली सी यहाँ पे मेटल प्लेट होगी और एक मेटल प्लेट यहाँ होगी जिसकी हाइट डी वाई होगा, और साइड से देखने पर उसका जो विड्थ होगा वो इक्वल टू एल होगा। जितना प्लेट का विड्थ होगा उतना ही स्लाइस का विड्थ होगा। बच्चों, ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि इस पतले से स्ट्रिप कैपेसिटर के अंदर दो डायलेक्ट्रिक स्लैब हैं और ये जो छोटा सा इंक्लाइन पार्टीशन होगा बच्चों, और नन्हा सा इंक्लाइन पार्टीशन, उसके अप्रॉक्सीमेटली वर्टिकल इमेजिन करो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है। अगर इसको वर्टिकल इमेजिन कर लेते हो तो K1 का जो थिकनेस होगा वो इक्वल टू x होगा और जो K2 का थिकनेस होगा वो डी माइनस एक्स होगा, और इस स्ट्रिप आई मीन एलिमेंट कैपेसिटर की कैपेसिटी वेरी स्मॉल होगी, तो कैलकुलस में उसको लिखा जाएगा DC। बच्चों, वेरी स्मॉल क्यों होगी मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मैं इस तरह की
इसमें हज़ारों स्ट्रिप कैपेसिटर कट कर लूँ टॉप टू बॉटम। स्ट्रिप कैपेसिटर टॉप टू बॉटम इसमें बहुत सारी कट कर लूँ तो माना जाएगा कि सभी का लेफ़्ट प्लेट कनेक्टेड है। लेफ़्ट प्लेट कनेक्टेड होने का मतलब सभी कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट सेम पोटेंशियल पे होगी, क्योंकि ये जो कंडक्टिंग प्लेट होता है ये इक्विपोटेंशियल होता है, तो सभी कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट सेम पोटेंशियल पे होगी और सारे कैपेसिटर्स की राइट प्लेट सेम पोटेंशियल पे होगी। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की यही प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इस तरह के जितने भी आप स्ट्रिप कट करोगे सभी का कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस ऐड होता है, जुड़ता है। एक पतले से कैपेसिटर की कैपेसिटी वेरी स्मॉल होनी चाहिए, सो वेरी स्मॉल होनी चाहिए तो उसको कैलकुलस नोटेशन में डीसी लिखा जाएगा। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायलेक्ट्रिक का जो फार्मूला पहले पढ़ चुके हो वो फार्मूला इस्तेमाल कर लो और डीसी की वैल्यू लिख डालो। तो टी वन की जगह पैक्स लिखोगे, टी टू की जगह पे डी माइनस एक्स लिखोगे, के वन की जगह पे के वन ही लिखोगे और के टू की जगह पे के टू ही लिखोगे। और इसका जो एरिया होगा साइड से देखने पर वो हाइट डी वाई इंटू विड्थ एल होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको फार्मूला याद दिला रहा हूँ, द वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस डी सी इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट डी ए। जो स्ट्रिप काटे उसका एरिया वेरी स्मॉल होगा तो उसको डी ए लिखना बेहतर होगा। फिर लिखते हो टी वन बाई के वन दैट इज एक्स बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू दैट इज डी माइनस एक्स बाई के टू। अब इसमें से एक्स वाली टर्म को सेपरेट कर लो, डी बाई के टू को अलग कर लो, एक्स को कॉमन ले लो, तो बच्चों ब्रैकेट में क्या मिलेगा, वन बाई के वन माइनस वन बाई के टू, गॉट इट। और डी ए जो स्ट्रिप कैपेसिटर का साइड प्लेट होगा उसका वेरी स्मॉल एरिया, डी ए की वैल्यू कितनी आती है, एल इंटू डी वाई, इमेजिन कर लो। बच्चों अब इसमें क्या होगा कि इसमें टू वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक्स एंड वाई। प्लेन इंटीग्रल आप सिंगल वेरिएबल में करते हो तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं समझाता हूँ आपको। अगर डी वाई को टेंस टू जीरो मान लिया जाए, इसकी थिकनेस को जीरो मान लिया जाए, तो प्यारे बच्चों इस डायग्राम में दो ट्रायंगल आपको मिलेंगे। एक स्मॉलर ट्रायंगल मिलेगा जिसका बेस एक्स होगा, हाइट एल माइनस वाई होगा, और एक बिगर ट्रायंगल मिलेगा दिस वन। इस बिगर ट्रायंगल का बेस स्मॉल डी होगा और हाइट इसकी पूरी की पूरी एल हो जाएगी, गॉट इट। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो कि एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल ये आपस में सिमिलर माने जाएंगे, सिमिलर क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें सेम है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, कैसे लगाओगे, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इक्वल्स रेशियो ऑफ देयर बेसिस दैट इज एल माइनस वाई अपॉन एल इक्वल्स एक्स बाई डी। स्मॉलर ट्रायंगल की हाइट एल माइनस वाई आपने देखा, बिगर ट्रायंगल की हाइट एल आपने देखा, स्मॉलर ट्रायंगल का बेस एक्स आपने देखा, बिगर ट्रायंगल का बेस डी आपने देखा, ऐसा आप तो लिख पाओगे। फिर इसको एल से डिवाइड करो, यहाँ आता है वन माइनस वाई बाई एल। फिर वाई बाई एल का फार्मूला बनाओ बच्चों, क्या वन माइनस एक्स बाई डी। फिर एल को इधर मल्टीप्लाई करो, देखो कर दिया। फिर डिफ्रेंशिएट करो, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। डिफरेंशियल का रूल पढ़े हो कि कांस्टेंट डिफरेंशियल के बाहर निकाल आता है और वन का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा और डी कांस्टेंट वो भी बाहर निकल आएगा और एक्स का डिफरेंशियल वन हो जाएगा, देखो। सो प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी वाई का फार्मूला मिलता है माइनस एल बाय डी इंटू डी एक्स, आई मीन डी वाई कम्स आउट माइनस एल बाय डी इंटू डी एक्स, से दिस इज इक्वेशन टू।
and this is equation 1. Now from equation 1 and 2, प्यारे बच्चों dy की ये वैल्यू आप यहाँ पे ला कर सब्सटीट्यूट कर डालो। जब इक्वेशन 1 में dy को सब्सटीट्यूट करोगे तो dc की वैल्यू कैसे आती है वो देखो। देखो मैंने यहाँ dy की वैल्यू पुट कर डाली है, ये पूरा का पूरा dc हो गया। प्यारे बच्चों dc को अगर मैं बॉटम टू टॉप इंटीग्रेट करूँ मुझे टोटल कैपेसिटी सेम मिल जाती है। इंटीग्रल का साइन लगा दो, बॉटम टू टॉप जाओगे तो एक्स की लोअर लिमिट डी आएगी, टॉप पे चले जाओगे तो एक्स की लिमिट जीरो आएगी। ऐसा क्यों लिमिट आएगी, देखो डायग्राम। देखो बच्चों आपने इसके बेस को एक्स माना है, तो जब आप बॉटम पे चलते चले जाओगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी और बॉटम पे एक्स की वैल्यू डी होगी। फिर अगर आप स्ट्रिप को ट्रेवल कराओगे अपर डायरेक्शन में टैक्सी वैल्यू डिक्रीज होगी और डिक्रीज होते होते टॉप पे आओगे टैक्सी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इंटीग्रल में जब एक्स की लिमिट लिखनी पड़ती है तो लोअर लिमिट डी लिखी जाती है और अपर लिमिट ज़ीरो लिखी जाती है। तो वही मैंने लिमिट यहाँ पर लगाया है बच्चों, लोअर लिमिट डी एंड अपर लिमिट ज़ीरो। अब इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट क्वांटिटी को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से कांस्टेंट आता है माइनस एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी, उसको बाहर निकाल लिया। फिर इंटीग्रल में इतना बचेगा, तो मैंने आपको कैलकुलस पढ़ा रखा है बच्चों। डिनोमिनेटर में एक्स का एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ये जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है इसका जो इंटीग्रल का सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे वो फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड्स अपडेट कर लेंगे। इसका इंटीग्रल लॉग में आता है और एक्स का जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। सो प्यारे बच्चों इस लीनियर एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रल आएगा वो लॉग ऑफ डी बाई के टू प्लस एक्स इंटू वन बाई के वन माइनस वन बाई के टू, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन रिपीट होता है और फिर ये जो कोएफिशिएंट है उसे ये डिवाइड भी होता है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा कर इंटीग्रेट हम लोग करते हैं। इंटीग्रल आप रिवाइज कर लेना, फिर लिमिट को यहाँ पे लिखा जाता है राइट कॉर्नर पे, लिमिट होगा डी टू ज़ीरो। फिर सॉल्व करने के लिए इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, फिर पहले अपर लिमिट रखो फिर माइनस लोअर लिमिट रखो। इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, देखो बाहर निकालने पे क्या आता है। उसको बच्चों बाहर निकाला, थोड़ा सिंपलीफाई किया, रेसिप्रोकेट कर लिया। फिर जो लिमिट लगाता हूँ तो देखो लिमिट लगाने पर क्या आएगा, जब एक्स की जगह पे बच्चों अपर लिमिट रखोगे तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी बाई के टू। आमीन अपर लिमिट रखने पर आता है एल एन डी बाई के टू, फिर माइनस करते हो फिर लोअर लिमिट रखते हो। तो जब एक्स की जगह पे लोअर लिमिट डी रखते हो बच्चों तो माइनस डी बाई के टू और प्लस डी बाई के टू कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बचता है डी बाई के वन। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम बाई एन करने पर जो शॉर्ट फार्मूला बाद में मिलता है वो कुछ ऐसे आता है, ये हो गया एम और ये हो गया एन। लेकिन मैं अभी अभी बताया कि माइनस डी बाई के टू की वैल्यू डी बाई के टू से कैंसिल होगा और फाइनली नीचे बचेगा डी बाई के वन। तो डी बाई के टू को डी बाई के वन से डिवाइड करने पर डी डी कैंसिल आउट होगा और ब्रैकेट में बचेगा के वन अपान के टू। प्यारे बच्चों ये जो नेगेटिव आपको दिखता है उस नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है के वन माइनस के टू। तो मैंने यहाँ लिख डाला के वन माइनस के टू, नेगेटिव हटा दिया और ये मिल गया एल एन के वन बाई के टू। इस तरह से सी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार जेई एडवांस में खुद ही रिपीट हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ
अगर सचमुच आप 50 ईयर्स का अनसॉल्व पेपर अपने सामने रखोगे तो आपको ये क्वेश्चन कम से कम 50 ईयर्स के पेपर में 3 बार दिखेगा, जो ये जे एडवांस में पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन तमाम बुक्स में भी दिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जे एडवांस में ये 3 बार 50 सालों में पूछा हुआ है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 50 साल का अनसॉल्व पेपर रख लो तो आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आजकल ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में ये जो फाइनल सॉल्यूशन है ये कहीं ना कहीं लिखा होता है, उसको टिक मारना होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जे एडवांस के पेपर में 20 से 25% क्वेश्चन डायरेक्शनल होते हैं, कहने को ऑब्जेक्टिव होते हैं मगर बिना डिराइव किए वो सॉल्यूशन मिलता नहीं है। अगर इसको रट भी लोगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आंसर चेंज हो जाएगा, तो डेरिवेशन का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना सीखो, वो मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स डायमेंशन एल बाई बी आर सिमेट्रिकली इंक्लाइंड एज शोन, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स। प्यारे बच्चों, ये अपर मेटल प्लेट है, स्लाइटली इंक्लाइंड है, ये लोअर मेटल प्लेट है, सिमिलरली सिमेट्रिकली इंक्लाइंड है ये भी। इसका जो स्ट्रेट लेंथ है वो एल है, और ऊपर से देखने पर जो विड्थ नज़र आएगा परपेंडिकुलर विड्थ वो बी है, और ये लेंथ एल है, सेम डायमेंशन इसका भी है। हॉरिजॉन्टल इंक्लाइनेशन इसका भी थीटा रेडियन है, इसका भी थीटा रेडियन है, थीटा को आप रेडियन में मान के चलो। कंडीशन है कि थीटा को अगर डिग्री में कन्वर्ट करा जाए, थीटा इज़ लेस देन 5 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद ये 5 डिग्री से छोटा है, तो थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। द गैप बिटवीन टू प्लेट्स इज फिल्ड विथ एयर, दीज आर टू मेटल प्लेट्स एंड इनिशियल सेपरेशन इज डी। बच्चों आपसे पूछा है कैपेसिटेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। बच्चों अगर ये दोनों प्लेट एग्जैक्टली पैरेलल होती तो फार्मूला हम लोग डिराइव किए हुए हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मगर ये दोनों एग्जैक्टली पैरेलल तो है नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल है, तो फार्मूले में कुछ तो चेंज आएगा, तो कैसे डिराइव होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इसमें दिया है कंडीशन डी इज़ मच लेस देन एल, डी इज़ मच लेस देन बी। ये लिखने की, ये कंडीशन देने की मजबूरी क्या होती है, तो अगर प्लेट के डायमेंशन के कंपैरिजन में अगर ये गैप नेग्लिजिबल होगा, फ्यू मिलीमीटर का ऑर्डर होगा, तो ये दोनों प्लेट ऑलमोस्ट पैरेलल मानी जाएंगी, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा, और ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, और तभी ये डिराइव हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म करने की कंडीशन क्वेश्चन में बनानी पड़ती है। बच्चों जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं उनको ये कंडीशन देना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी इतने सालों का एक्सपीरियंस मुझे कि कुछ पहले करस्पॉन्डेंस कोर्स चलते थे, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, अग्रवाल ट्यूटोरियल्स, ऐसे अग्रवाल क्लासेस हम लोग के ज़माने में चलते थे, उसमें वो लोग थीटा को लार्ज दिखा के डिराइव करते थे, वो हाइपोथेसिस गलत थी। अगर थीटा लार्ज हो गया, मान लो ये 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, तो प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कर्वलीनियर हो जाएगा, और जब कर्वलीनियर होगा तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, और जब ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म नहीं होगा तो जो यहाँ कैलकुलस मेथड में लगाने जा रहा हूँ वो फेल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन जब पढ़े थे तो उसमें कंडीशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो पहले पुराने ज़माने में वो जो लोग सोल्यूशन बना के भेजते थे वो गलत भेजते थे, उनको फिजिक्स का पूरा सटीक नॉलेज नहीं था। ये ओरिजिनल क्वेश्चन आपको रसनिक के बुक में दिख जाएगा, और रसनिक के बुक में ये कंडीशन लगाया हुआ है, थीटा को वेरी स्मॉल बोला हुआ है, क्योंकि भाई रसनिक के बुक तो रिपोर्टेड है, उसमें गलतियाँ ना के बराबर है, तो वो ऑथेंटिक है, मैंने यहाँ पे रिपीट कर डाला है। अब कैपेसिटेंस कैसे डिराइव होगा वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, देखो आप। प्यारे बच्चों, अगर इसमें बहुत पतले पतले वर्टिकल स्लाइसेस काटे जाएँ, स्लाइस का मतलब फ्रंट टू बैक सेम थिकनेस का ये स्लाइस होना चाहिए, और इसको ओरिजिन मान लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स लिया, इसको हॉरिजॉन्टल लिया एक्स, और स्लाइस का थिकनेस डी एक्स लिया,
तो फ्रंट टू बैक इसका थिकनेस सेम लेना होगा, और ऐसे हज़ारों स्लाइस इसमें काटे जाएं वर्टिकल वर्टिकल, तो ये सब के सब पतले पतले कैपेसिटर बन जाएंगे। और ये सारे कैपेसिटर का बच्चों जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर से होगा। पैरेलल इसलिए होगा बच्चों क्योंकि सारे स्ट्रिप कैपेसिटर की टॉप प्लेट आपस में जुड़ी हुई मानी जाएगी, मतलब सेम पोटेंशियल पर। और सारे स्ट्रिप कैपेसिटर्स की जो बॉटम प्लेट्स होंगी वो भी कनेक्टेड मानी जाएंगी, मतलब सेम पोटेंशियल पर। तो जब टॉप प्लेट सेम पोटेंशियल पे होगी, बॉटम प्लेट सेम पोटेंशियल पे होगी, तो यही तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की थ्योरी होती है। तो इस तरह के जितने भी इसमें स्ट्रिप काटोगे वो सब के सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस एडअप होता है, जुड़ता है, यानी कि एक सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटी वेरी स्मॉल होगी बच्चों, तो उसको कैलकुलस में डीसी लिखा जाएगा। अब ये जो पतला सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा, थीटा वेरी स्मॉल होने की वजह से ये जो बॉटम प्लेट है और ये जो टॉप प्लेट है इसको ऑलमोस्ट पैरेलल माना जाएगा। ऑलमोस्ट पैरेलल होना ज़रूरी है बच्चों, तभी ये क्वेश्चन लगेगा। हाउएवर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, डायग्राम बता रहे कि ये तो डी होगा, ये एडिशनल गैप स्मॉल एस होगा, ये भी एडिशनल गैप स्मॉल एस होगा, और ये तो थीटा दिया ही है। तो प्यारे बच्चों ये जो बेस होगा वो स्मॉल एक्स होगा, देखो यहाँ पे दिखाया हूँ। तो अगर बेस स्मॉल एक्स होगा, हाइट स्मॉल एस होगा, तो यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लग सकता है। टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा तो आएगा हाइट अपॉन बेस, आई मीन एस बाई एक्स। तो देखो मैं इसको रिलेट करने जा रहा हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू एस बाई एक्स, लेकिन बच्चों थीटा वेरी स्मॉल है, आई मीन 5 डिग्री से छोटा है, तो वेरी स्मॉल माना जाएगा। तो मैथ में पढ़ाते हैं कि इफ थीटा इज़ लेस देन 5 डिग्री, आई मीन वेरी वेरी स्मॉल, देन टेन थीटा इक्वल्स थीटा। लेकिन बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वल्स थीटा तभी काम करता है जब थीटा रेडियन में लिया जाता है। मैंने मान लिया है कि जो थीटा दिया हुआ है वो रेडियन में दिया है, मैग्नीट्यूड उसका 5 डिग्री से छोटा है, तो टेन थीटा थीटा की लिमिट लगा दिया, एस बाई एक्स से कंपेयर कर लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एस की वैल्यू आती है एक्स इंटू थीटा, इज इट। नाउ फॉर द एलिमेंट कैपेसिटर जो आपने डीसी दिखाया ऊपर, इट शुड बी एप्सिलॉन नॉट डी ए अपॉन डी डैश। बच्चों एयर फिल कैपेसिटर बनेगा जो एलिमेंट काटे हो, तो उसका साइड एरिया वेरी स्मॉल होगा, उसको डी ए लिखोगे, दोनों के बीच में जो गैप होगा वो डी डैश होगा। डायग्राम बता रहा है कि डी डैश की वैल्यू डी प्लस टू एस होगी, और जो डी ए होगा अप्रॉक्स बी इन टू डी एक्स होगा। क्यों होगा देखो एक बार प्यारे बच्चों, थीटा बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, ये जो इंक्लाइन लेंथ है वह अप्रॉक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल लेंथ के बराबर माना जा सकता है। ये अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेशन फिजिक्स के लिए बहुत परेशान करने वाली चीज़ है, वो एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आता है कहाँ पे क्या लेना है क्या छोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है कि इस इंक्लाइन लेंथ को लगभग इस हॉरिजॉन्टल लेंथ के बराबर माना जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल लेंथ इसका डी एक्स होगा, तो इसकी विड्थ जो होगी वो डी एक्स होगी। और ऊपर से देखोगे प्यारे बच्चों तो स्ट्रिप का जो लेंथ आएगा, स्लाइस काटे वो तो ऊपर से देखोगे तो कुछ स्ट्रिप में लेंथ आएगा, वो लेंथ इस प्लेट के विड्थ के बराबर दिखेगा, आई मीन बी। और ये जो गैप है ये लगभग डी एक्स होगा, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रॉक्स दिस इट शुड बी डी एक्स। तो ये जो पतली सी प्लेट बनेगी यहाँ पे, उसका जो एरिया आएगा वो आएगा बी इंटू डी एक्स, और दोनों मेटल प्लेट के बीच में ये वाला जो गैप होगा बच्चों इसको डी डैश लिखा हूँ। इस डी डैश की वैल्यू ज्योमेट्री में कितनी दिख रही है, डी प्लस टू एस, डी प्लस टू एस, और ये एरिया लगभग माना जाएगा बी इंटू
डी एक्स, गॉट इट। तो बी इंटू डी एक्स मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ। उसके बाद देखो क्या करता हूँ, एस की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जो ऊपर निकाला हूँ, दैट इज एक्स इंटू थीटा, डी की जगह पे लिख डाला बी इंटू डी एक्स। अब टोटल कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स, उसके लिए डी सी को इंटीग्रेट करना होगा लेफ्ट टू राइट, पूरी लेंथ को कवर करना होगा, उससे सी मिलेगा। तो जब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एस की लोअर लिमिट ज़ीरो आएगी और राइट लिमिट एल आएगी। प्यारे बच्चों यहाँ भी अप्रॉक्सीमेशन है, राइट लिमिट एग्जैक्टली एल होती नहीं है, एग्जैक्टली एल होती नहीं, एल से थोड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाया गया है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली एल उसको लिखा जा रहा है क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है। फिर डी सी की वैल्यू लिख डाला गया, ज़रा ये लिमिट फिर से समझ लो, जब ये स्ट्रिप तुम यहाँ पे काटोगे इस जगह पे 10 किलो वाली लिमिट ज़ीरो ज़रूर आएगी, और जब स्ट्रिप यहाँ तक ले आओगे तो प्यारे बच्चों एक्स की अपर लिमिट एल, दरअसल एल तो ये जो इंक्लाइन लेंथ है वो वाला है, क्वेश्चन के मुताबिक इंक्लाइन लेंथ एल है, लेकिन एक्स तो आपने हॉरिजॉन्टल माना है, आई मीन ये जो टोटल होगा ये एक्स की अपर लिमिट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो तुम इमेजिन कर सकते हो बच्चों कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है एक्स की अपर लिमिट, वो प्लेट की लेंथ से थोड़ा छोटा ही होगा, लेकिन थीटा वेरी स्मॉल होने की वजह से इस हॉरिजॉन्टल लेंथ को लगभग एल मान लिया गया है। ये इस क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन है, इसलिए जब यहाँ पे आते हैं तो एक्स की अपर लिमिट को लगभग एल बना दिया गया है, अप्रॉक्सीमेशन है याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको इक्वल टू एल लिखा जा रहा है डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए। तब इंटीग्रेट करना सीखो। कहते हैं कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रल के बाहर निकाल लेते हैं, तब सेला नॉट इंटू बी को इंटीग्रल के बाहर निकाल लो, इंटीग्रल में इतना बचेगा, थीटा तो कॉन्स्टेंट ही है, डी भी कॉन्स्टेंट है, एक्स का लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है, मैथ में पढ़े हो कि इसका इंटीग्रल लॉग में आता है, जिसका इंटीग्रल आएगा बच्चों लॉग ऑफ डी प्लस टू एक्स थीटा डिवाइडेड बाई टू थीटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने पर ये जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो उससे यहाँ डिवाइड किया जाता है, लिमिट यहाँ पे लिखी जाती है, फिर इस कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है, फिर एक्स की जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट। तो बच्चों टू थीटा देखो मैं बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन टू थीटा, फिर एक्स की जगह पे लगा दिया तो यहाँ पे आएगा डी प्लस ट्वेल्व थीटा लॉग डी प्लस ट्वेल्व थीटा, फिर एक्स की जगह पे जीरो लगा दिया तो खाली डी बचेगा, तो माइनस लॉग डी होगा, फिर लॉग एम बाय एन का फॉर्मूला लगा दिया तो लॉग एम माइनस लॉग एन की वैल्यू होता है लॉग एम बाय एन, ये हो गया एम और ये हो गया एन, तो ये डिवाइड हो गया। उसके बाद बच्चों डी से डिवाइड करो, ब्रैकेट में आता है वन प्लस ट्वेल्व थीटा अपॉन डी। बच्चों आपके क्वेश्चन में थीटा को वेरी स्मॉल दिया है, तो जब थीटा 5 डिग्री से छोटा है तो रेडियन में निकालोगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा, 0.00 समथिंग फ्रैक्शन में आएगा। तो जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा बच्चों तो इसमें एक एजम्पशन है कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 12 थीटा बाई डी मच लेस देन 1 होगा, ये माना जा रहा है इस क्वेश्चन में, इसको माना जा रहा है कि दिस टोटल क्वांटिटी विल बी मच लेस देन 1 बिकॉज थीटा इज अ वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन इन रेडियन। तो जब एक्स वेरी वेरी स्मॉल होगा तो लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं आपको शुरू में अप्रॉक्सीमेशन पढ़ाया है, लॉग 1 प्लस एक्स एनी इंडेक्स, लॉग 1 प्लस एक्स को जब हम लोग ओपन करते हैं बच्चों जिसमें एक्स लेस देन 1 होता है, तीन फाइनाइट टर्म्स की एक सीरीज आती है,
तो जब एक्स मच लेस देन वन माना जाता है तो दो टर्म लिया जाता है, बाकी सारे टर्म्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया है कि 12 थीटा बाय डी इज मच लेस देन वन, तो लॉग वन प्लस एक्स में दो टर्म लिया जाएगा, तो दो टर्म होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। शुरू में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप उसको रिविज़न कर लेना। तो ये एक्स की वैल्यू हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू। इनफाइनाइट टर्म्स में शुरू के दो टर्म लिए जाते हैं, बाकी सारे टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं, हायर पावर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज मच लेस देन वन। इसका क्यूब टेंस टू जीरो आएगा, पावर फोर टेंस टू जीरो आएगा, पावर फाइव टेंस टू जीरो आएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन में दो टर्म ले लिए जाते हैं, बाकी सारे टर्म को क्या कर दिए जाते हैं, जीरो। और लॉग वन प्लस एक्स का दो टर्म आता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, गॉट इट। अब बच्चों इसको ले लियो कॉमन, इसको ब्रैकेट के बाहर निकालो, यहाँ बचेगा वन माइनस ट्वेल्व थीटा अपॉन टू डी। टू थीटा कैंसिल आउट होगा, बाहर मिलेगा आप सेलन नॉट बेल बाई डी, और यहाँ पे टू को टू से कट करोगे तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा वन माइनस एल थीटा बाई डी। दो प्लेट के बीच में जो सी का फॉर्मूला है वो इस तरह से आएगा, लेकिन इसमें लिमिटेशन है कि थीटा को रेडियन में इस्तेमाल करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, डिग्री में नहीं। देखा आपने आंसर चेंज हो गया बच्चों। ये सारे क्वेश्चन अब आज के ज़माने में ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ लिए जाते हैं, तो जिस बच्चे को डेरिवेशन पे कमांड होगा वो इसके आंसर तक पहुंच जाएगा, नहीं तो रटे रहेगा तो भूल भी सकता है। रटने में क्या होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया और उसको पहले से रटा है तो टाइम तो बच जाएगा, इन क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज कर देगा तो फिर ये रटा हुआ फार्मूला फेल हो जाएगा। थोड़ा चेंज क्या करेगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ क्या चेंज करेगा। जैसे इसको थीटा वन लिख देगा, इसको थीटा टू लिख देगा, तो आपका रटा हुआ फार्मूला फेल हो जाएगा। लेकिन डेरिवेशन पे कमांड है तो डिराइव कर ले जाओगे। अगर ये थीटा वन होगा बच्चों तो ये एस वन होगा और ये एस टू होगा, तो जब डी डैश लिखने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, इस डेरिवेशन में क्या चेंज होगा, डी डैश जब तुम लिखोगे तो यहाँ पर लिखोगे डी प्लस एस वन प्लस एस टू, गॉट इट। और एस वन आएगा बच्चों एक्स थीटा वन, और एक्स टू आएगा एक्स थीटा टू। तो ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा, ये टू एक्स थीटा की जगह पे एक्स थीटा वन प्लस एक्स थीटा टू आएगा। तो जिसको डेरिवेशन पे कमांड होगा वो इसको बदल लेगा और इंटीग्रेट करके आंसर तक पहुंच जाएगा, इसलिए डेरिवेशन सीखना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप अच्छी रैंक नहीं ला पाओगे, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, फिर आपको बाद में बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए भी कुछ क्वेश्चन आजकल जो डेरिवेशनल होते हैं उनको भी ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछा जाता है, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप में स्किल डेवलप करा दूँ, कैसे क्वेश्चन आप कैसे करोगे। वन मोर क्वेश्चन, अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर एज शोन बिलो, फेन अ डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के एंड मास एम इज इंट्रोड्यूस्ड, देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एफ ई अप्लाइड ऑन द स्लैब बाय द कैपेसिटर प्लेट्स, द लेटरल विड्थ बी इज सेम फॉर प्लेट्स एंड स्लैब, इग्नोर द ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। बच्चों इस क्वेश्चन डायग्राम में ये बताया गया कि ये कैपेसिटर की मेटल प्लेट है डायमेंशन एल बाई बी, और ये दूसरी प्लेट है डायमेंशन एल बाई बी, आई मीन जो लेंथ है वो एल है और जो लेटरल विड्थ है वो बी है। नीचे से देखोगे तो विड्थ इसका दिखाई देगा और विड्थ है बी, और ये जो लेंथ है वो एल है। डी जो गैप है वो वेरी वेरी स्मॉल है माना गया है, वेरी वेरी स्मॉल। और ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है,
ये कांस्टेंट ईएमएफ की बैटरी है और ईएमएफ ई के बराबर है, ये कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, ऐसा माना गया है। और एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को एंट्री पॉइंट पर लाकर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एंट्री पॉइंट पर डायलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली डी है, प्रैक्टिकली ये डी से थोड़ा छोटा होगा तभी मूव कर पाएगी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली डी है। लेंथ इसका एल डैस है, बच्चों इसका लेंथ कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जनरल डेरिवेशन में उसको एल डैस सिंबल दिया गया है, लेकिन डेरिवेशन में विड्थ को सेम माना गया है। जो इस मेटल प्लेट का विड्थ होगा वही विड्थ इस डायलेक्ट्रिक स्लैब का होगा, तभी यह डेरिवेशन आसान होगा। जो विड्थ है वो सेम है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कांस्टेंट है, स्लैब का मास सेम दिया हुआ है। कहते हैं कि जब उसको एंट्री पॉइंट पर लाकर छोड़ते हैं तो दोनों प्लेट की वजह से इस पर एक हॉरिजॉन्टल अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होता है। इसका फार्मूला आपको डिराइव करना है, तो फार्मूला कैसे डिराइव होगा ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए आप प्यारे बच्चों, ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक मैं आपको अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स एडवांस सीरीज, और ये मैंने इस बुक को अभी रिसेंटली पब्लिश किया है, 30 सितंबर यानी 31 सितंबर को ये बुक पब्लिश हो चुकी है। ई बुक भी पब्लिश हुई है और पेपरबैक भी पब्लिश हुआ है, उसका इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया में दे चुका हूँ, तो आपको अगर ज़रूरत लगे, और अभी 5 दिन के लिए इसका जो ई बुक वर्जन है अमेज़ॉन पर उसका फ्री सेल चल रहा है, तो आप चाहो तो उसको फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने मोबाइल किंडल ऐप में लाइब्रेरी में उसको पढ़ भी सकते हो। तो फ्री सेल अभी 5 अक्टूबर तक चल रहा है, डाउनलोड कर लोगे फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो प्रिंट बुक आपको परचेस करनी पड़ेगी। तो ये उसी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी बुक का ही पेज है, डिटो इसी तरह का कलरफुल इंटीरियर मिलेगा आपको वहाँ। कैसे डिराइव होगा बच्चों, देखो पहले तो ये बताना है कि ये फोर्स डेवलप क्यों होता है। जब दो प्लेट के बीच में आप बैटरी लगाती हो तो अपर प्लेट टॉप के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, इसके इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोअर प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है तो लोअर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। थ्योरी पढ़ चुके हो कि चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, आई मीन इस पर अगर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू होगा। अब एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को अगर यहाँ पे ला के छोड़ते हो तो आपको बहुत पहले पढ़ाया गया है इंड्यूस चार्ज। मेटल की प्लेट के सामने जितना भी पोर्शन डायलेक्ट्रिक स्लैब का दिखेगा तो उसके आउटर सरफेस पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, अपोजिट का मतलब नेगेटिव इंड्यूस होगा, इसको माइनस क्यू डैश कहोगे, मगर ये एरिया बहुत कम है तो इस माइनस क्यू डैश का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। अच्छा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसके ठीक सामने इतने छोटे से एरिया पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस क्यू डैश और यह आएगा माइनस क्यू डैश। अब क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास की थ्योरी लगा दो, इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर बीचों बीच मान लो और इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ बीचों बीच मान लो, इस पॉजिटिव का सेंटर इस नेगेटिव के सेंटर पे इंक्लाइन डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ऐसे स्लाइटली इंक्लाइन फोर्स आएगा। सोचो ड्यू टू सेम रीजन इस पॉजिटिव का सेंटर यहाँ ले लो, इस नेगेटिव का सेंटर यहाँ ले लो, तो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में पुल करेगा। डायग्राम में सिमेट्री है तो ये जो दोनों इंक्लाइन फोर्स होंगे उसका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होने का रीजन समझा दिया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस पॉजिटिव का
इस पॉजिटिव पर एक रिपल्शन आएगा और इस नेगेटिव पर भी एक रिपल्शन आएगा। ठीक है, आ सकता है, मगर माना जाएगा कि बीच में गैप है और ये लार्ज गैप है। तो गैप है तो ये जो रिपल्शन फोर्स ये वाला आएगा वो अट्रैक्शन के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल माना जा सकता है, ये भी रिपल्शन नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो बच्चों उसको इग्नोर किया गया है, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा और रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल पैदा हो जाएगा। अभी मैं डिराइव करके दिखाऊंगा कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कांस्टेंट आता है, वेरिएबल नहीं आता। तो डिराइव कैसे होगा दिखा रहा हूँ। किसी मोमेंट पर टाइम का रीडिंग टी मानूँ, मेटल के प्लेट पर चार्ज को क्यू मानूँ और डायलिटिक स्लैब का जितना लेंथ अंदर इंसर्ट हो चुका है उसको एक्स मानूँ। अब इस फोर्स को नलिफाई करने की कोशिश करो। बच्चों ये मैकेनिक्स का थ्योरी है, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। हम लोग एक हाइपोथेटिकल फोर्स यहाँ पे क्रिएट करवाते हैं, जानबूझकर क्रिएट करवाते हैं। माना जाएगा कि जो डायलिटिक स्लैब है उस पर एक एजेंट बाहर से पुलिंग फोर्स लगा रहा है, कोई एजेंट, मैं या तुम, बाहर से राइटवर्ड डायरेक्शन में एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है सोन बाय एफ एक्सटर्नल, और वो इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर मेंटेन कर रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर मेंटेन करे तो स्लैब पे नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। बच्चों ऊपर मैंने कंडीशन दिया ग्रेविटी फ्रिक्शन जीरो मानना है, इस क्वेश्चन में ग्रेविटी फ्रिक्शन को जीरो मान के चलो। तो ये फोर्स एजेंट लगाएगा, इसको बैलेंस कर देगा, जिस पे नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो एक्सलेशन ज़ीरो होगा, और अगर एक्सलेशन ज़ीरो हुआ तो बहुत स्लोली स्लोली इसको मूव कराया जा सकता है। तो मैंने मान लिया कि dt टाइम में ये अंदर की तरफ वेरी स्लोली मैंने मूव करवा दिया क्योंकि एक्सलेशन ज़ीरो है। नेग्लिजिबल वेलोसिटी से इसको वेरी स्मॉल अंदर मूव करा दिया और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर दिखा दिया। तो ये जो पॉइंट था वो भी अंदर आएगा, उसका भी डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल dx होगा, इज इट। तो जब डायलिटिक स्लैब अंदर आएगी बच्चों, कहते हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ता है, C बढ़ेगा, लेकिन बैटरी जुड़ी होने पर प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, पढ़ा चुका हूँ, और वो पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा लेकिन इसका C बढ़ेगा, और C बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, और C बहुत थोड़ा सा ही बढ़ेगा तो चार्ज बहुत थोड़ा सा ही बढ़ेगा। तो इसको मैथ में लिखते हैं क्या, टी इक्वल्स टी प्लस डी टी, क्यू इक्वल्स क्यू प्लस डी क्यू, टान एक्स इक्वल्स एक्स प्लस डी एक्स। एक्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी और हो जाएगी एक्स प्लस डी एक्स, तो इस पर चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा डी क्यू, इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी डी सी। तब देखो मैं इसको कैसे डिराइव करने जा रहा हूँ। बच्चों टी क्वस टी पे क्यू की वैल्यू आप सी वी लिखते हो, मगर मैं बता बैटरी जुड़ी है तो वी की जगह पी लिखोगे, सी बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, एक्स इक्वल्स एक्स होगा, जो सी होगा वो एक्स का फंक्शन होगा। कैसे होगा देखो, टी इक्वल्स टी, एक्स इक्वल्स एक्स, क्यू इक्वल्स सी, डी क्यू इक्वल्स डी सी इंटू ई। बच्चों जब इसको d लगाओगे तो d यहाँ पे आएगा, तो d की प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट बाहर निकल आएगा और dc पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा dc इंटू ई। c की वैल्यू c1 वन प्लस सी टू होगा। प्लेटों के बीच c कैसे डिराइव करोगे बच्चों, अजम्पशन लोगे कि इतने पोर्शन में डायलेक्ट्रिक भरा है। बच्चों जो कैपेसिटेंस हम लोग डिराइव करते हैं वो दो मेटल प्लेटों के बीच डिराइव करते हैं,
ये जो एयर वाला पोर्शन है वो काउंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं होता और यहाँ कोई एनर्जी भी नहीं होती। केवल मेटल की ओवरलैपिंग जो एरिया होती है उसी के बीच में सी निकालते हैं। तो मानोगे कि इतना पोर्शन डायलैक्टिक भरा है और उसका जो लेंथ है वो एक्स है और इतना पोर्शन एयर भरा है उसका जो लेंथ है वो एल माइनस एक्स है। अच्छा, इसका भी विड्थ बी होगा और इसका भी विड्थ बी ही होगा। तो एक कैपेसिटर ये सी वन अगर मानते हो और इसको सी टू मानते हो तो प्यारे बच्चों ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला बना लेते हैं और सी वन प्लस सी टू लिख कर टोटल कैपेसिटेंस सी निकालते हैं। वही काम मैं कर रहा हूँ। सी वन प्लस सी टू, सी वन मैंने एयर वाले गैप को माना है, सी टू डायलैक्ट्रिक वाले को माना है। तो एयर वाले का फार्मूला आप सेल नॉट ए बाई डी, और एयर वाले पोर्शन का जो एरिया होगा वो एल माइनस एक्स इंटू बी होगा। सी टू डायलैक्ट्रिक वाले पोर्शन को माना हूँ तो होगा आप सेल नॉट के ए बाई डी, डायलैक्ट्रिक वाले पोर्शन का एरिया होगा एक्स इंटू बी, एज इट। फिर इसमें से कुछ कॉमन आएगा बच्चों, कॉमन आएगा आप सेल नॉट बी बाई डी। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में दो टर्म आएंगे, इसमें से एक्स को कॉमन ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो ये तो होगा एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स, तो ये पूरा सी का वैल्यू हो गया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, टैक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे आई मीन डी सी वाई डी एक्स, तो कांस्टेंट डिफरेंशियल के बाहर आएगा, लिख डालो। एल का डिफरेंशियल जीरो होगा, कांस्टेंट बाहर आएगा और एक्स का डिफरेंशियल वन होगा। तो यहाँ पे बचेगा के माइनस वन इंटू एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी। तो डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू डिराइव कर लिया, इसको लिख डाला इक्वेशन नंबर वन। गॉट इट यार बच्चों? किसी मोमेंट पर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो स्टोर्ड एनर्जी होगी तो फार्मूला पढ़ते हो हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, बट वी की वैल्यू कांस्टेंट इक्वल टू ई, तो इसको आप लिखते हो हाफ सी स्क्वायर। अब सी तो वेरिएबल है तो एक्स के रिस्पेक्ट में दो साइड को डिफ्रेंशिएट करो, इधर आएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ आएगा डी सी बाई डी एक्स, वन बाई टू आउटसाइड कॉन्स्टेंट, ई स्क्वायर आउटसाइड कॉन्स्टेंट। सही क्वेश्चन नंबर टू। अब प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, ज़रूरत पड़ने पर डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू उठा लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। फिलहाल ये हो गया डी बाई डी एक्स की वैल्यू। अब आगे देखो क्या होता है। सपोज इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लैब बिकम्स डी एक्स विथ नेग्लिजिबल स्पीड टूवर्ड्स लेफ्ट, हेंस एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों में इसी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम पे कराया हूँ, उसका मीनिंग समझाया हूँ, फिर एक्सप्लेन किया हूँ। आज मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम है। डी डब्ल्यू आई एन सी डी डब्ल्यू ई एन सी इक्वल्स डी के प्लस डी यू, इसको कहते हैं वर्क डन बाई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये होता है चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, सिस्टम की बाउंड्री इसके लिए डिफाइन करनी पड़ती है। तो मैं डायग्राम में सिस्टम की बाउंड्री कैसे बना रहा हूँ देखो बच्चों। सोन बाई येलो कलर, ये है सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री पहले डिफाइन करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि सिस्टम बाउंड्री के अंदर ये बैटरी शामिल है। सिस्टम बाउंड्री के अंदर ये पूरी पूरी स्लैब शामिल है, पूरा कैपेसिटर शामिल है। माना गया है कि जो एजेंट ये फोर्स लगा रहा है वो बाउंड्री के बाहर खड़े होकर खींच रहा है। बाउंड्री के बाहर खड़े होकर जो पुलिंग फोर्स लगता है, एजेंट लगाता है डायरेक्ट पुल, इसको एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इस फोर्स का जो वर्क होगा वो डी डब्ल्यू ई एन सी होगा।
इसका वेरी स्मॉल वर्क एफ डॉट डी आर फार्मूले से गवर्न होगा, आई मीन एफ फंक्शनल डॉट डी एक्स, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट कितना दिखा रहे हैं, डी एक्स दिखा रहे हैं। बच्चों ये इंटरनल फोर्स है, इसको काउंट नहीं करोगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरनल फोर्स है, वर्क एनर्जी थ्योरम में इंटरनल फोर्स काउंट नहीं करोगे, गॉट इट। लेकिन डी डब्ल्यू आई एन सी है, इसकी थ्योरी मैंने आपको बताई है पहले कुछ क्वेश्चन में, कि सिस्टम बाउंड्री के अंदर इंजन मोटर बैटरी है, इंजन मोटर बैटरी बाउंड्री के भीतर है, तो उनका जो वर्क होता है वो डी डब्ल्यू एन सी में काउंट होता है। आज सिस्टम बाउंड्री के अंदर एक बैटरी है और बैटरी वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि जब डी क्यू चार्ज बैटरी भेजेगी तो बैटरी वर्क करेगी, तो बैटरी का वर्क डी डब्ल्यू एन सी में काउंट होगा। तो डी डब्ल्यू एन सी इक्वल्स डी डब्ल्यू बी बी फॉर बैटरी, इसका फार्मूला पढ़ा चुका हूँ कि डी टी टाइम में बहुत थोड़ा सा वर्क करेगी, और उसका फार्मूला होता है इंटू डी क्यू, ई एम एफ ऑफ द बैटरी एंड डी क्यू इज अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट आउट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज भेजेगी वो, और यहाँ डी क्यू की वैल्यू ऊपर दिखा चुके हो, डी सी इंटू ई, तो हो गया डी सी इंटू ई स्क्वायर। सही क्वेश्चन नंबर फोर, इज इट, बिकॉज द बैटरी इज इनसाइड द सिस्टम बाउंड्री। डी डब्ल्यू एन सी एजेंट का जो वर्क है वो इस कैटेगरी में आएगा, एजेंट बाहर से लगा रहा है, इसको एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, तो वेरी स्मॉल वर्क होगा, एफ डॉट डी आर, डी आर की जगह पे डी एक्स, दोनों का डॉट लेना होगा। लेकिन बच्चों आपने कंडीशन क्या बनाई थी कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, तभी नेट फोर्स जीरो आएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को माइनस साइन से रिलेट करते हैं, तो फंक्शनल इक्वल्स माइनस एफ ई, सपोज कंडीशन। अब इसकी जगह आप इसको पुट कर डालो, यहाँ ला के पुट करो, कुछ ऐसा करो। नाउ डी डब्ल्यू एन सी इक्वल्स माइनस एफ ई डॉट डी एक्स, माइनस को बाहर लिखो, एफ ई डॉट डी एक्स को खोलो, एफ ई डायग्राम में लेफ्ट साइड है, डी एक्स भी डायग्राम में लेफ्ट साइड है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हुए, ये हो गया मॉड एफ ई मॉड डी एक्स, थीटा जीरो कॉस जीरो वन, एफ ई पैरेलल टू डी एक्स डायग्राम में देख चुके हो, गॉट इट। तो प्यारे बच्चों डी डब्ल्यू एन सी की वैल्यू क्या आती है, सिंपली माइनस एफ ई डी एक्स। डी के की वैल्यू जीरो क्यों होगी, क्योंकि स्लैब का स्पीड नेग्लिजिबल है, काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो उसका चेंज जीरो होगा। बट डी यू इज़ नॉन जीरो, डी यू नॉन जीरो है, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की बढ़ेगी, तो ये नॉन जीरो है। तो प्यारे बच्चे जो आपने पांच इक्वेशन ऊपर बनाए हैं, उन पांचों इक्वेशन का हेल्प ले लो, तो डी डब्ल्यू आई एन सी की जगह पे आप लिखोगे डी सी इंटू ए स्क्वायर, डी डब्ल्यू ई एन सी की जगह पे लिखोगे माइनस एफ ई डी एक्स, डी के की जगह पे जीरो लिखोगे एंड प्लस डी यू। तो बच्चों अब आप क्या करो, आप एफ ई का फॉर्मूला बनाना चाहते हो, इस टर्म को राइट साइड में ट्रांसफ़र करो, राइट में आके ये प्लस हो जाएगा, और डी यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करो, लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा, फिर डी एक्स से डिवाइड कर डालो, तो एफ ई का फार्मूला क्या बनता है, डी सी बाई डी एक्स इंटू ई स्क्वायर माइनस डी यू बाई डी एक्स, यही बनेगा। अब बच्चों अब आप क्या करो कि डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर से उठा लो, ऊपर डिराइव करे हो आप, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर डालो, और इस वाले टर्म को रिपीट कर डालो, ये डी यू बाई डी एक्स ऊपर डिराइव करे हो, देख लो इक्वेशन, देखो इक्वेशन टू में आप डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू इतना डिराइव करे हो, तो इक्वेशन टू से ये वैल्यू यहाँ पे उठा लो और उसको वहाँ पे ले जाके पुट करो, देखो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर डाला, फर्स्ट टर्म को रिपीट कर डाला, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस इतना आएगा, फिर डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन वन से उठा लो,
इक्वेशन वन में आप डी सी बाय डी एक्स डिराइव करे पड़े हो करे हो, तो इसको ला के जब पुट कर डालोगे डी सी बाय डी एक्स की ये वैल्यू, तेफी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। सो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ऑफ अट्रैक्शन जो स्लैब पे लगता है उसका फार्मूला मैंने डिराइव कर दिया। अब सेलर नॉट बी इंटू ईम एफ स्क्वायर के माइनस वन अपॉन टू डी, आप देखोगे कि इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है। आई मीन बैटरी कनेक्टेड होने पर स्लैब पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट होता है। और मज़े की बात कि ये फोर्स का जो फार्मूला है ये ना ही प्लेट की लेंथ एल पे डिपेंड किया और ना ही स्लैब की लेंथ एल डैश पे डिपेंड किया। हाउएवर ये फार्मूला प्लेट की विड्थ बी पे डिपेंड किया, स्लैब की विड्थ बी पे डिपेंड किया, बैटरी की एमएफ ई पे डिपेंड किया, स्लैब कार्डियलिटी कांस्टेंट के पे डिपेंड किया, प्लेटों के बीच गैप डी पे डिपेंड किया। इतनी क्वांटिटी पर ये डिपेंड करता है बट लेंथ पर ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। और ये फोर्स कांस्टेंट होता है जब बैटरी जुड़ी रहती है। तो अब इस फार्मूले के एप्लीकेशन पे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। सो बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए इस एपिसोड को मैं आज यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं इस फार्मूले के एप्लीकेशन पे कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि ऑलरेडी कुछ साल पहले पूछे जा चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए कराने ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इस फार्मूले का एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और वो बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आज भी पूछे जाते हैं। सो बच्चों, एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक आपको जे एडवांस के लिए। और आप मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और सोशल मीडिया में शेयर करो, सो दैट आपकी तरह तमाम बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे रूबरू होता हूँ बहुत जल्दी, और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड डे। सी यू अगेन।